आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की मतदान की अंतिम तिथि जैसे जैसे निकट आती जा रही है, वैसे वैसे जनपद मैनपुरी में चुनावी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं करहल विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल पहुंचे, जहां उन्होंने करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु स्वर्गीय नथु सिंह जी यादव की प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर सपा के जीत के तमाम गुरु मंत्र दिए और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में ऐसी जान फूंक गए कि कार्यकर्ता उत्साहित से खासा लवरेज नजर आया। सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने स्वर्गीय नथु सिंह यादव एवं करहल विधायक सोबरन सिंह यादव के त्याग की सराहना करते हुए प्रदेश में सपा की सरकार बनाने पर पूरा सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का सूरज अस्त बताते हुए सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बेरोजगारों को नौकरियां देने की घोषणा की। साथ ही करहल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत करने का आह्वान किया। उन्होंने मैनपुरी विधानसभा से राजू यादव, किसनी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजेश कठेरिया एवं भौगांव विधानसभा क्षेत्र से आलोक साक्य को जिताने की पुरजोर अपील की। आपको बताते चले कि इस बार जनपद मैनपुरी में चुनावी माहौल खासा दिलचस्प बना है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोकी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने करहल विधानसभा सीट से आगरा के सांसद राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां बसपा के दीपक पेंटर भी मतदाताओं में सेध लगाने में जुटे हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले जनपद मैनपुरी की चारों विधानसभा सीटों पर देश एवं प्रदेश के नेताओं की निगाहें लगी है। कस्बा करहल के चुनावी जनसंवाद कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से राम किशोर वर्मा की रिपोर्ट। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिले, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप मिल सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में 22 लाख की नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी, अच्छी नौकरी लैपटॉप चलाने वाली या आज के समय पर जवाब मिलती है देने का काम करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।